दिन दहाड़े सीएसपी स्टाफ की गोली मारकर हत्या, विरोध में एनएच पर हंगामा, टायर जलाकर आगजनी की। जिले में बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़े सीएसपी स्टाफ को गोली मार दी। घटना सकरा थाना क्षेत्र के बाजी इलाके की है। विकास कुमार रामनगर में सेंट्रल बैंक के सीएसपी में काम करते हैं। गुरुवार की सुबह वह कैश लेकर सीओ स्थित सेंट्रल बैंक के ब्रांच में जमा करने जा रहा था। सीएसपी से कुछ दूरी पर ही पुल से घात लगाए बाइक सवार अपराधियों ने उसे घेर लिया, उससे रुपए छीनने की कोशिश की। विकास ने इसका विरोध किया, तभी एक अपराधी ने पिस्टल निकालकर उस पर फायर कर दिया। गोली उसके सीने के समीप लगी और वह बाइक से गिर गया। उसे घायल अवस्था में स्थानीय सकरा रेफरल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए मुजफ्फरपुर भेजा गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। वही मौत के बाद आक्रोशित स्थानियों ने सबको सीओ चौक पर रखकर आरोपी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे। मार के कुर्सी पर बैठाया। अच्छा, कौन बैठाया था? अभी नहीं जाने बाबू कौन बैठाया, कौन मारा, बाकी यह जाने के प्रशासन में है कि मतलब गोली चला तो कोई नहीं जाने, कोई नहीं सुना। अच्छा। गोली कैसे चला सब जाना। अच्छा बताइए, क्या मृतक का मौत हो गया? अच्छा, हो गया। आप लोग क्या करने आ रहे? निर्णय चाहिए। क्या क्या आपको, क्या सरकार से आपको क्या चाहिए? क्या कौन चाहिए? लड़का का शादी हो गया था? कितना भाई था लड़का? कितना था? तीन लड़का था। क्या नाम था इसका? विकास कुमार। सकरा थाना अंतर्गत रामनगर गांव में एक सीएसपी संचालक के असिस्टेंट को गोली लगी है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन हम लोग कर रहे हैं। कितने गोली लगी सर? अब तक जो सारी चीज़ें पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलता है, लेकिन ये जरूर है कि एक एंट्री वुंड हम लोग को देखा है। सर, खोखा भी बरामद हुई? नहीं, खोखा बरामद नहीं हुआ है। घटनास्थल पर जो हम लोगों ने देखा है, जो बंद कमरा है, वहाँ पर खोखा